मेरे प्यारे देशवासियों, आप भलीभांति जानते हैं कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद हमारे देश को कल्पना बाहर का नुकसान किया है और ऐसे दीमक की तरह हमारे जीवन में घुस गया है। उसको निकालने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, सफलताएं भी मिली है, लेकिन बीमारी इतनी गहरी है, बीमारी इतनी फैली हुई है कि हमें और अधिक प्रयास, और वो भी सिर्फ सरकारी स्तर पे नहीं, हर स्तर पे करते ही रहना पड़ेगा और ये निरंतर करना पड़ेगा। ये एक बार करने से होला काला काम नहीं होता है, क्योंकि बुरी आदतें कभी जैसे पुरानी बीमारी होती है, कभी ठीक हो जाती है लेकिन मौका मिलता ही फिर से वो बीमारी आ जाती है। वैसे ही एक ऐसी बीमारी है, उसको हमने निरंतर, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इसको निरस्त करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। हर स्तर पर ईमानदारी और पारदर्शिता को बल मिले, इसके लिए भी भरसक प्रयास किए गए हैं। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में भी इस बार आते ही सरकार में बैठे हुए अच्छे अच्छे लोगों को छुट्टी कर दी गई। हमारे इस अभियान में जो रुकावट बनते थे उनसे कहा कि आप अपना कारोबार कर लीजिए, अब देश को आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। और मैं स्पष्ट मानता हूं व्यवस्थाओं में बदलाव होना चाहिए, लेकिन साथ साथ समाज जीवन में भी बदलाव होना चाहिए। समाज जीवन में बदलाव होना चाहिए, उसके साथ साथ व्यवस्थाओं को चलाने वाले लोगों के दिल दिमाग में भी बदलाव बहुत अनिवार्य होता है, तभी जाकर के हम इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं।